पिछले कुछ एक दिनों से इस विपदा के माहौल में भी हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जहां कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो इस विपदा में भी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उन्होंने बताया कि राजनीति हम नहीं, राजनीति आप कर रहे हैं, बल्कि आप इस विपदा में भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भाजपा ने एक टूलकिट को ट्वीट किया और बताया कि कांग्रेस किस तरीके से राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस ने उस टूलकिट को फर्जी करार दिया और उस कांग्रेस की बात में बल तब पड़ा जब ट्विटर ने खुद बताया कि ये टूलकिट फॉर मैनिपुलेटेड मीडिया है और उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का जो ट्विटर अकाउंट है उसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोला। भाजपा के मुंह पे ये तमाचा था, भाजपा का जो कार्यशैली है वो आक्रामक नीतियों वाला है। भाजपा ने कांग्रेस को जवाब न देने के बजाय सीधे ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापा मारा। तो एक मिनट के लिए आप, मैं और सभी ये सोचें कि जिस माध्यम को का उपयोग करते हुए, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पैकेजिंग की, ब्रांड गुजरात को क्रिएट किया और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, आज वो उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए हमारी आपकी नियति क्या है, हमारी आपकी वैल्यू क्या है कि हमारे घर से हमें उठा लें, हमें जेल में डाल दें या किसी के ऊपर मुकदमा कर दें, हम और आप उनके लिए तो हैं क्या। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टाइमिंग की बात, राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, विपक्ष का तो काम है ही सवाल उठाने का, सवाल करने का, लोकतंत्र में, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में विपक्ष का काम ही होता है। लेकिन जो शासन पद पे बैठा है और शासन पद में भी जो सर्वोच्च पद पे बैठा, जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, जब कोरोना पीक पर था तो वो दीदी ओ दीदी के माध्यम से क्या कर रहे थे, अगर वो राजनीति नहीं थी तो क्या थी। या फिर जब वो ऐसे बोल रहे थे कि इतनी भीड़, इतने लोग कि जहां मेरी निगाह जा रही है वहां लोग ही लोग दिख रहे हैं, तो वो उस भाषण में क्या कर रहे थे। जब कोरोना पीक पे था तब वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं। आज कोरोना हल्का सा डाउन हो रहा है तो वो आंसू बहाकर क्या बताना चाह रहे हैं, उन दो आंसू का क्या मतलब है। और उन दो आंसू के पहले जो पूरे भारत की मां बाप भाई बहन के आंसू बहे, उन आंसुओं का क्या मतलब है। तो राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कौन नहीं कर रहा है, इस बात से भी इतर आप लोगों को एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या ये राजनीति सिर्फ इसलिए ये कर पा रहे हैं कि इनको एक भरोसा हो गया है कि वो ये कुछ भी करें, ये कुछ भी कहें, कितनी भी तानाशाही प्रवृत्ति के हो जाए, लेकिन इनका वोट बैंक नहीं टूटेगा। क्या हमारा इस तरीके की अंधभक्ति, क्या हमारा इस तरीके का फॉलो अप जो करना, हमारा इस तरीके का किसी के पीछे किसी के लिए शीर्षासन हो जाना एक जनतंत्र के लिए खतरा नहीं है, ये एक जनतंत्र को तानाशाही की ओर ढकेलता नहीं है कि ये इन्होंने समझ लिया है कि हमारा वोट बैंक हमसे नहीं खिसकेगा, अगर वो राजनीति नहीं थी तो क्या थी। या फिर जब वो ऐसे बोल रहे थे कि इतनी भीड़, इतने लोग कि जहां मेरी निगाह जा रही है वहां लोग ही लोग दिख रहे हैं, तो वो उस भाषण में क्या कर रहे थे। जब कोरोना पीक पे था तब वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं। आज कोरोना हल्का सा डाउन हो रहा है तो वो आंसू बहाकर क्या बताना चाह रहे हैं, उन दो आंसू का क्या मतलब है। और उन दो आंसू के पहले जो पूरे भारत की मां बाप भाई बहन के आंसू बहे, उन आंसुओं का क्या मतलब है। तो राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति कौन नहीं कर रहा है, इस बात से भी इतर आप लोगों को एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या ये राजनीति सिर्फ इसलिए ये कर पा रहे हैं कि इनको एक भरोसा हो गया है कि वो ये कुछ भी करें, ये कुछ भी कहें, कितनी भी तानाशाही प्रवृत्ति के हो जाए, लेकिन इनका वोट बैंक नहीं टूटेगा। क्या हमारा इस तरीके की अंधभक्ति, क्या हमारा इस तरीके का फॉलो अप जो करना, हमारा इस तरीके का किसी के पीछे किसी के लिए शीर्षासन हो जाना एक जनतंत्र के लिए खतरा नहीं है, ये एक जनतंत्र को तानाशाही की ओर ढकेलता नहीं है कि ये इन्होंने समझ लिया है कि हमारा वोट बैंक हमसे नहीं खिसकेगा, हमारा वोट बैंक हमसे नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपने वोट बैंक को 2 किलो राशन बांट देंगे या अकाउंट में 2000 रुपए डाल देंगे। तो क्या ये इनको तानाशाह नहीं बनाता है। राजनीति की बात नहीं है, बात है टाइमिंग की।